हम लोग क्या देख रहे हैं, लैम्डा फेज रेगुलेशन, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि यहाँ एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया पे ये बैक्टीरियोफाज आके इंफेक्शन कॉज कर रहा है, यही ना? ठीक है, तो ये जो बैक्टीरियोफाज है वो आके यहाँ बैठा, बैक्टीरियोफाज यहाँ आया और ये इंफेक्शन कॉज करेगा। ओके, ये जो बैक्टीरियोफाज है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ किससे किसको इन्फेक्ट करेगा, यानी कि एक वायरस है। ओके, इस बैक्टीरिया का, इस बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, लीनियर एंड सर्कुलर है और नियरली 50 के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम लोग बैक्टीरिया का अपना भी डीएनए होता है, yes, sir. जो कि क्या है, सीसीसी डीएनए, फुल फॉर्म क्या होगा, कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इन्फेक्शन करने के बाद से, जैसे ही बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन करेगा तो अपना ये जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंसर्ट करेगा, yes, ये वायरल डीएनए है, yes, है ना? अब वायरल डीएनए इंटर किया है, वायरल डीएनए इंटर करने के बाद से अब इसको ये सोचना है कि ये किधर जाएगा, लाइसोजेनिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये नहीं देखेंगे कि ये, हम लोग अभी इसके मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे, हम ये देखते सबसे पहले ये देखा जाता है कि भाई लिक्विड में जाता तो क्या होता और लाइटिंग में जाता तो देखिए हो गया, हाँ लिक्विड में जाता तो क्या होता और लाइसोजेनिक में जाता तो क्या होता। तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं, सबसे पहले जो वायरल डीएनए है ये एंटर किया और अगर इसको लाइटिंग साइकिल में जाना है तो इसके जो एंड्स होते हैं वो स्टिकी एंड्स होते हैं और स्टिकी एंड्स क्या हो जाएंगे, पूरा सर्कुलर हो जाएगा जो कि सीसीसी डीएनए है। ठीक है, ये भी सीसीसी डीएनए हो गया और बहुत सारे जीन्स होते हैं, लेकिन हमें सारे जीन के बारे में नहीं देखना है, हमें कितना देखना है, नियरली 15-20 जीन के बारे में एक्चुअली में देखना है, हमें उन जीन्स के बारे में स्पेशली देखना है जो कि लिटिक और लाइटिक साइकिल में इन्वॉल्व है, लिटिक और लाइटिक साइकिल में है कि नहीं। अब बहुत से ऐसे जीन्स होते हैं जिनका काम होता है कि वायरस के डीएनए का रिप्लिकेशन, प्रोटीन कोड फॉर्मेशन, जैसे जो वायरस है इसका अपना स्ट्रक्चर होगा, प्रोटीन कोट होगी, कैप्सिड प्रोटीन होगा, नेक होगा, टेल होगा, वगैरह वगैरह। सो हाँ, तो उनकी सिंथेसिस के लिए जीन होते हैं उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें बेसिकली फोकस करना है किस पे, जो कि लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल के लिए है ना। ठीक है, अब यहां देखिएगा ये स्टिकी एंड के बारे में हमने डिस्कस किया, स्टिकी एंड होते हैं, ये सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन सिर्फ ये बताना था कि कैसे स्टिकी एंड ब्लड प्रिंट तो जानते होंगे आप लोग, तो स्टिकी एंड यहाँ पे आ जाएगा। अब जब ये सीसीसी डीएनए बन जाएगा तो इसके जीन्स का, कुछ जीन्स होंगे जो लाइटिक साइकिल में लेके जाना चाहिए, तो लाइटिक साइकिल में लेके जाना चाहेंगे तो इनका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसक्रिप्शन करके ये प्रोटीन बनाएगी और ये जो जब प्रोटीन बनेंगे तो प्रोटीन जो है हेल्प करेंगे उन, ये जो प्रोटीन्स बनेंगे वो उन जीन के ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेंगे जो जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हाँ बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफाज का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उनकी हेल्प करेंगे। तो बना ये प्रोटीन, बना न्यूक्लिक एसिड का खूब ढेर सारा रिप्लिकेशन होगा, जब सारे पार्ट बन जाएंगे प्लेंटी अमाउंट में बन जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया को रप्चर करेंगे। प्रवीण यही हो ना, पक्का? ठीक है, अच्छा भाई अब देखिएगा निकले और इसके बाद से ये असेंबल हो गए, कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, स्पेशली प्रेस्कॉट में लिखा हुआ है कि देयर पार्ट इज सिंथेसाइज इन द, हाँ बैक्टीरिया के साइटोफॉर्म में इनके जितने भी पार्ट होते हैं वायरस के वो सिंथेसाइज हो जाएंगे और बाहर आके वो असेंबल हो जाएंगे, प्रेस्कॉट 10th edition में लिखा हुआ है, दैट आई विल शो यू। ओके, उसके बाद से ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को पता ही है, दो बुक से हम पढ़ा रहे हैं, वॉटसन से और प्रेस्कॉट, है ना, ये मतलब
ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ आपको बुक में मिलेगा। अगर आप जो स्टडी मटेरियल दिया गया उसमें पढ़ेंगे तो सब मिलेगा। सर जितने पार्ट्स वो अंदर फॉर्म होते हैं वो सारे बाहर आके असेंबल होते हैं कि अंदर भी कुछ असेंबल? अंदर भी कुछ असेंबल हो जाते हैं, मैक्सिमली बाहर असेंबल होते हैं। कौन पूछा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। उसके बाद से अब आगे देखिएगा, अब अगर इसको किसमें जाना हो, लाइसोजेनी में जाना हो, ठीक है, तो ठीक है लाइसोजेनी में जाने के लिए क्या करेगा, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो क्या करेगा, पहले तो कुछ जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि C1 तो बनना चाहिए लाइसोजेनी में जाना है तो। यहाँ पे हम नाम नहीं लिए, वहां यहाँ जो शुरू शुरू पढ़ा रहे थे तो इसका नाम नहीं लिए थे, लेकिन C1 बनना चाहिए। और एक नाम हमने लिया था, कौन सा? इंटीग्रेस, है ना? इंटीग्रेस बना, तो C1 कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है इंटीग्रेस बनाने के लिए भी हम लोग देख लेंगे, है ना? यस सर। ओके, C1 होता है कि C2 होता है कि C3 होता है वो हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो गया तो ये क्या बन गया, प्रोफाज, ठीक है, प्रोफाज का। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया का रिप्लिकेशन होने लगेगा वैसे वैसे ये वायरस का डीएनए भी क्या होगा, रिप्लिकेट होगा, और रिप्लिकेट होने के जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होगा वैसे वैसे ये भी डिवाइड होता जाएगा, और उसको किसी तरह का इंडक्शन मिला सही समय आने पे, इंडक्शन मिला तो ये यहां से बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद से, अब देखो बाहर आने के लिए मतलब लाइटिंग में जाने के लिए कौन सा, क्रो और एंड बनना चाहिए ना, भी हम लोग देखेंगे बाद में। अब इसके बाद से फिर से लाइटिंग साइकिल में चला जाएगा, यानी कि लाइटिंग साइकिल में गया तो तुरंत डेथ हो गई, बैक्टीरिया रप्चर कर गया, और लाइसोजेन में गया तो जब तक उसको इंडक्शन नहीं, तो जो डर गया वो, जो नहीं डरा वो थोड़ी देर बाद में, हाँ ठीक है, जब उसको इंडक्शन मिलेगा तब। अच्छा अब हम लोग देख रहे थे कि जो बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, जो बैक्टीरियोफाज है उसका वायरल का जो डीएनए है वो हमने ये देखा, बट्टी के भी, और इसमें से कुछ पार्ट हमने लिया, कुछ पार्ट में हमने तीन जीन को लिया, तीन जीन, ठीक है ना, तीन जीन को लिया। तो तीन जीन में कौन कौन से है, जैसे मान लो ऑनलाइन में पढ़ा रहे हो, रिकॉर्डिंग हो रहा हो, तो घड़ी वड़ी पहना रह जाता है तो ऊपर कर लिया वैसे दिखता है, ऐसे करने से सोने का चेन, अगली बार सोने का चेन पहन के। तो N C1 एंड क्रो, है ना? अब N का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट यहाँ है, दिख रहा है आपको, और C1 का इसके बगल में है, और क्रो का, तो N का जो है इसके राइट साइड में है, C1 का इसके राइट साइड में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, और क्रो का लेफ्ट साइड में। अक्सर हम हमेशा यही पढ़ते आते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन चार्ट साइट होता है वो लेफ्ट में होता है, इसे प्रमोटर होता है, वैसे लेफ्ट राइट का कोई ऐसा मैटर नहीं, ये प्रमोटर का सीक्वेंस जहां रहेगा उसके बगल में ट्रांसक्रिप्शन चार्ट साइट रहेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले ये कंडीशन देखा था, ट्रांसक्रिप्शन, हाँ, तो ये जो कंडीशन हम लोगों ने देखा था, समझा था, आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा, प्रमोटर इधर है, ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चर जब यहाँ है तो प्रमोटर यहाँ पे, और ये पूरा श्रेया और महिमा प्रोटीन बना के हम लोग महिमा गान किए थे। तो ठीक है, ये कैसे कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है ये सब हम लोग समझ गए थे, राइट। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि प्रमोटर इसका है, ठीक है, C1 और क्रो का कॉमन प्रमोटर है, बताइए, C1 और क्रो का कॉमन प्रमोटर है, लेकिन N का अलग अपना प्रमोटर है। अब प्रमोटर में ही होता है क्या, ऑपरेटर। अच्छा, जो क्रो के लिए प्रमोटर होगा उसको क्या कहते हैं, टीआर, और जो N के लिए टीएल, और C1 के लिए टीआरएम, ठीक है। अब PR स्टैंड फॉर प्रमोटर फॉर राइट वर्ड एंड मतलब
बात नहीं, उसके बाद के जो जीन होंगे उनका ट्रांसक्रिप्शन कराना होगा तो ठीक है मृदुल, जगह हो ना? ठीक ठीक ठीक। और इसके बाद से पीएल का मतलब प्रोमोटर फॉर लेफ्ट और ओके। अब यहाँ ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर को आपने देखा हमने डिफरेंट कलर के साइड में दिया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे आप कि अगर यहाँ से बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, तो क्रॉस सिंथेसाइज करेगा ना? बिल्कुल क्रॉस सिंथेसाइज करेगा। अगर यहाँ से बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज तो सी1 को सिंथेसाइज करेगा, और अगर यहाँ से बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज तो एन को सिंथेसाइज करेगा। अब हमने ऑपरेटर के बारे में आपको बताना था, तो ऑपरेटर जो पीआर के लिए ऑपरेटर है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ओ आर वन, ओ आर टू, ओ आर थ्री। और जो पीएल के लिए ऑपरेटर है वो कौन सा है? यानी कि जो पीआरएम सॉरी जो ये प्रमोटर और इसके जो ऑपरेटर हैं, ठीक है, ये दो प्रमोटर के पार्ट, एक पीआरएम के लिए और एक पीआरएम। अच्छा, पीआरएम का फुल फॉर्म क्या बताया था? मुस्कान अकेले बताएगी, बता बेटा। शिवानी बताएगी, बिना हाथ से बताना है। ठीक है, प्रमोटर फॉर रिप्रेसर मेंटेनेंस, यानी कि यहाँ देख रहे हो कि एक ही प्रमोटर है और एक ही प्रमोटर में दो पार्ट कर दिया गया है, पीआरएम और पीआर, जिसमें से पीएल और पीआर जो होते हैं क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, और पीआरएम जो होता है वो यहाँ पे छूट गया है प्रमोटर। ठीक है, अब सबसे पहले अगर जैसे हम देख रहे थे ऊपर से, अगर याद होगा आप लोगों को कि अगर इंटर करता है, जैसे इंफेक्शन कॉज किया और जैसे ही न्यूक्लिक एसिड इंटर किया बैक्टीरियोफेज का, और बैक्टीरियोफेज का न्यूक्लियस इंटर करने के बाद से जैसे ही यहां पे पीआरएम पे बाइंड कर लेता है आरएनए पॉलीमरेज, तो पीआरएम पे बाइंड कर लेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा? सी वन से सी1 प्रोटीन बनेगी, yes, sir. जो कि लैम्डा रिप्रेशर है, yes, sir. इसमें एन टर्मिनल और सी टर्मिनल है, yes, sir. एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, एन टर्मिनल की डीएनए बाइंडिंग डोमेन होती है, yes, sir. है ना, yes, sir. और सी टर्मिनल पास डाइमराइजेशन का डोमेन होता है ना, yes. अब सबसे पहले ये किससे बाइंड करेगा? ओआरएम से बाइंड कर लेगा तो क्रो की सिंथेसिस शुरू गई ना, क्योंकि पीआर इज नॉट फ्री फॉर एनी आरएनए पॉलीमरेज, यानी क्रो अब नहीं बनेगा, और उतनी ही तेज एफिनिटीज की होती है ओएल1 से बाइंड करेगा, ये इधर भी और इधर भी आके बाइंड करता है। अच्छा, अगर और ज्यादा सी1 लैम्डा रिप्रेसर बनता है, और ज्यादा अगर सॉरी एक चीज और यहाँ पे, अगर यही ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है किसका, अगर आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले पीआरएम पे ना बाइंड करके पीआर पे बाइंड कर लेगा तो क्या बनाएगा? क्रो, है ना, yes, क्रो बनाएगा, और क्रो की बाइंडिंग एफिनिटी कहाँ होती है? ओआर3 पे। ठीक है, ओआर3 पे अगर बाइंड कर लिया तो क्या पीआरएम फ्री है? नहीं। तो क्या सी1 बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा। अनुपम, ठीक है, ऑनलाइन में बेटा सबको समझ में आ रहा है? बोलो। क्या बात है, इधर एप्लीकेशन पे बताइए सबको समझ में आ रहा है? तो एप्लीकेशन बताइएगा सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सी1 की सबसे ज्यादा बाइंडिंग एफिनिटी है ओआर1 से या ओएल, और ज्यादा बनेगा तो किससे बाइंड करेगा? या ओआर, और ज्यादा बनेगा तो अब अगर इस पे बाइंड कर लिया तो खुद का भी ट्रांसक्रिप्शन से क्या कर दिया? रोक दिया, खुद का भी ट्रांसक्रिप्शन से रोक दिया, यानी अब सी1 जो है ऑटो रेगुलेट हो सकता है कि नहीं? एक बार अगर सी1 रेस जीत गया
पीआरएम और पीआर में। अगर पीआरएम जीत गया तो पीआर जल्दी फ्री नहीं होगा और क्रो की सिंथेसिस जल्दी नहीं होगी, ठीक है। और अगर यही क्रो जीत गया तो हाँ, तो पीआरएम फ्री नहीं होगा और सीवन की सिंथेसिस नहीं होगी। अब कंडीशन हमारे हमारे सामने कंडीशन क्या थी, हमारे सामने कंडीशन ये है, मतलब हमारे मतलब सोचो कि हम बैक्टीरियोफाज हैं, नहीं वैसा होमोसेपियंस है, कोई नादा नादा नहीं है ना, बहुत तेज हंसी है। बता दो सही से बता दो। अच्छा नादा मजा कोबरा होते हैं, यहाँ पे सिर्फ नागिन है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, देखो इसका एकदम अर्जुन है, इसका ध्यान एकदम चिड़िया के हाथ में, सर जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वही मेरे को समझना है, ठीक है अभी बताते हैं। तो यहाँ देखिएगा, अब कंडीशन ये था, हमने तो ये कंडीशन दिखा दिया था कि अगर सीवन बनता है तो क्या होता है। अगर मान लो, अब ये भी हमने कंडीशन बताया कि अगर बैक्टीरिया के का ग्रोथ मीडियम अच्छा है, मतलब कंडीशन अच्छी है, न्यूट्रिएंट मीडियम अच्छा है, बैक्टीरिया को अच्छे से डिवाइड कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट भरे पड़े हैं, ग्लाइकोलिसिस हो रही है, एटीपी बन रहा है, बैक्टीरिया की कॉलोनी फ्लॉरिश कर रही है, देन बैक्टीरियोफेज विल चूज लाइटिक साइकिल, ठीक है ना, लाइटिक साइकिल। और लाइटिक साइकिल बनने में हेल्प करता है एक बैक्टीरियल प्रोटीन, इसका नाम है FTSS। अभी FTSS के बारे में बताया नहीं है, अभी बताते हैं आप लोग FTSS के बारे में, तो उसका डायग्राम बना के बताते हैं आपको कैसे काम करेगा, लेकिन नाम तो याद है, नाम तो है ना FTSS, जो HFL जीन से बनता है, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी लाइटिक साइकिल। अब सुनिए, FTSS है, ओके सब ठीक है, लाइटिक में जाना था, ओके या FTSS कम है, लाइसोजेनी में जाना था, सोचो कि FTSS कम है, इसको लाइसो बैक्टीरिया का ग्रोथ मीडियम अच्छा नहीं है, ठीक है, तो लाइसोजेनी में जाएगा बैक्टीरियोफाज, लेकिन बैक्टीरियोफाज के डीएनए के बैक्टीरिया में एंटर करते ही ये सर्कुलर बना लिया, सीसीसी डीएनए बना लिया और क्रो की सिंथेसिस होने लगी। अब क्रो बनेगा तो एन भी बनेगा, लाइटिक में जाएंगे, बड़ी समस्या हुई। तो अब क्रो से जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये देखेंगे कि क्रो की जब सिंथेसिस होती है उसके बाद कैसे ये जीनोम जो है लाइसोजेनी में जाता है, समझे, ठीक है, तो अब उसको हम लोग समझने जाते हैं, ओके।